बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करिगा। श्री सीतानाथ संभारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा। लोकावीरां रणरंग धीरम राजीव रघुवंशनाथन कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री आपके बीच में आ रहा हूं। साथ में तबले पर हमारे बेटा नमन स्वामी हैं।
इनका भी स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। हमारे भ्राता श्री ज्येष्ठ भ्राता श्री श्री उत्तम चंद जी पुनः एक बार हमारे साथ आए हुए हैं दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। इनको मैं प्रणाम करता हूँ और साथ में भाभी सरोज आपका भी पदारोपण हुए हैं, आपका भी आशीर्वाद मिले। और हम रेडियो रिश्ते के MD महोदय श्रीमान सिद्धांत शुभम सिद्धांत लाल बेटा आपको और हमारे सेन शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर आपको भी स्वागत करते हुए, हमारे मीडिया रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर हमारे माधवी पिल्ले जी आपको नमस्कार है, वंदना है। साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे प्रकाशवती सिंह जी आपको भी स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। राम जी आपको भी अभिवादन है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए। राम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको राम राम है। हमारे जितने भी होनहार हमारे प्रेजेंटर्स हैं हमारे प्रोग्राम में, खास करके हमारे दो ही बहुत सुंदर अच्छे प्रेजेंटर्स हैं, जो एक गोल्ड माइन ताबुआ फिजी आइलैंड से हमारे बीच में आती हैं, निब्रा चमकन्ना हमारी जयंती प्रयाची जी आपको अभिवादन है इस प्रोग्राम में। और साथ में राजस्थान से कार्यक्रम को लेकर के हमारे बीच में उपस्थित होती हैं निम्रा पठान जी बेटी आपको भी बहुत बहुत सुस्वागत है आज के प्रोग्राम में। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं रेडियो रिश्ते को का हम सब आप सबका स्वागत करते हैं इस मंच से। हमारे राम कथा के धारावाहिक कथा के माध्यम से विनोद राणेगर जी हमारे जो हर सप्ताह हमारे बीच में इस कार्यक्रम को हमारे भक्तों के बीच में लाते हैं, आपको भी हाकोट्स फ्लैटबुश ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आपका स्वागत। साथ में मिथिलेश प्रसाद भैया आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, कल भी आपने मुझे मदद करी मेरे कार्यक्रम में आकर के। हम लॉन्चिंग जो किए थे हमारे टेलीविजन चैनल 36 अपना नेटवर्क के माध्यम से प्रसारण होने जा रहा है, आप आए वहां पर हमारे सहयोग प्रदान किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सतीश भैया जी भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन जितने मॉडरेटर्स हैं सभी को इस पेज पर हम धन्यवाद करते हैं, जो आप भी हमारे कार्यक्रम को सदैव हमारे भक्तों के बीच में बांटते रहते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चलता हूँ आगे जो कार्यक्रम है उसको शुरुआत करने से पहले अपने पूज्य माता श्री के चरणों को मैं वंदना कर लूं, उनको प्रणाम कर लूं और साथ साथ में मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री के पूज्य चरण को प्रणाम करता हूं। मेरे गुरुदेव भगवान विश्व शांति आश्रम तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में हम सबको अपना आशीर्वाद जो दे रहे हैं आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं गुरुदेव जी। और मैं कैसे भूलूं प्रथा स्मरणीय हमारे पूज्य संत श्री प्रेम मूर्ति मुक्तमणि शास्त्री जी भागवत कृपा सेवा आश्रम के आप महंत हो, वहां पढ़ने वाले कई एक विद्यार्थी लोग आपसे वेदों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, खास करके आपके स्वयं के सुपुत्र पंडित श्री आदर्श मणि पांडे जी और भी अन्य विद्यार्थी और जो संत समागम हुई थी तुलसी जयंती पर, श्री गोस्वामी पूज्यपाद की जयंती पर आपने बहुत बृहत कार्यक्रम को रचा और बहुत एक से एक संत आए, उनका वक्तव्य मैंने रिकॉर्डेड वर्जन में सुन पाया, कुछ देर ही लाइव सुन पाए क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम मेरे पास भी थे उस समय। इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका प्यार स्नेह बना रहे हैं हमारे भक्तों पर, यही मंगल प्रार्थना करते हुए चले हम जितने भी साधु संत समाज जहां भी जिस देश में आप अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका चरण वंदना करते हुए मैं चलता हूँ जितने भी हमारे यहाँ के लोकल फिजी में जितने भी स्थित हमारे लॉकडाउन के माध्यम से इस कथा को जो श्रवण कर रहे हैं आप जितने फिजी वासी हैं आप सबको भी धन्यवाद। जितने भारत में
हमारे लोग इस चैनल के माध्यम से प्रोग्राम का सुस्वाद ले रहे हैं, रसद स्वाद ले रहे हैं, आपको भी अभिवादन है। और बड़ी खेद की बात है, हमारा ओकलैंड न्यूजीलैंड बहुत दिनों से स्वतंत्र रहा कोविड के मामले में, लेकिन आज ही एक डेल्टा वेरिएंट केस को कंफर्म किया गया और हम आज से 11 बजे रात को ही लेवल 4 पर जाने वाले हैं। सबको सूचित करना चाहूंगा, जो जो देख रहे हैं हमारे न्यूजीलैंड वासी, आप लोग सरकारी कानून का उल्लंघन मत करिएगा। लोग उल्लंघन करें तो आप देख रहे न्यूज साउथ वेल्स, हमारे पड़ोसी के देश में बहुत बड़ी मात्रा में ये बीमारी फैल गई है, इसलिए जितना हम हो सके उतना कम ही बाहर निकले। अपने घरों में 3 दिवस तक ये लॉकडाउन चलेगी ओकलैंड न्यूजीलैंड में, और लगता यूं है कि कृष्ण जन्माष्टमी भी हम लॉकडाउन पर ही मनाएंगे शायद, लेकिन देखें गोविंद जी की कृपा हुई तो हम जरूर अपने अपने समाजों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने जहां जहां भी हम प्रोग्राम के आयोजन किए हुए हैं वहां से प्रसारित कर पाएंगे, अन्यथा यही एक माध्यम है भैया आजकल के जीवन में। उत्तम जी, बस आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र जो बनाया हुआ है इसके माध्यम से 2020 से मैं इसी व्यासपीठ पर बैठा हूं, रेडियो रिश्ते के माध्यम से जगह जगह पर कार्यक्रम जारी, इसलिए शायद परमात्मा का यही नियम हो इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है हम आपको रेडियो रिश्ते के इसी चैनल पर आपको सुनवाएंगे। यहां से चले मैं पुनः निवेदन करता हूं, आप सब बड़े भाव से हमारे साथ में होते हुए माता भगवती जनक सीता जी की चरण वंदना हम करते हैं। जनक सीता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा के, जाके जग ओ जाके जुग पद कम परमात्मा के भी कैसी कैसी निराली माया होती है। हमारे भाभी श्री बताएं कल मेरी आवाज कहां थी, कोशिश करके मैं अपनी आवाज को निकाल रहा था कुछ बीमारी के कारण से, खराच आ गई गले में और कल आवाज ही बंद हो गई मेरी सुबह काल में, और शाम की बड़ी प्रोग्राम थी, लेकिन सरस्वती मैया बाबा हनुमान जी की आराधना किया मैंने कि कम से कम थोड़ा बहुत बोल सकूं। मास्टर अशोक जी हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार संगीतकार, उनके सानिध्य में होकर के कल कथा हमने कर पाई, तो पुनः मास्टर जी अशोक जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस चैनल के माध्यम से। आइए हनुमान जी को प्रणाम कर लेंगे। महावीर विनवा हनुमान राम जासु जपु आप बखाना, प्रणाम पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान सूरदयावार वसही राम सर चाप धरा
रहूं कृपा मर्दन मयना सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी मंगल भवन मंगल हरि त्रवहु सुदशरथ अजि रविहारी राज राम 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 जी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के किसी कारण बस शायद अगर ये आपके पक्ष ना रही हो तो कृपया आप सरोज भाभी आप चेक कर लेंगे प्लीज धन्यवाद मेघनाथ श्री हनुमान जी को ब्रह्म अस्त्र से प्रहार करके नागफास में बांध करके और उनको रावण के दरबार में ले गया और रावण के दरबार में जा करके रावण तो बहुत क्रोधित हुए पहले लेकिन अपने पुत्र अक्षय कुमार का वध सुन करके जान करके याद करके पुनः एक बार बहुत ही दुखी हुआ और अतिशय क्रोध में उन्होंने हनुमान जी पर बरसा कि क्या तुमने मेरी नाम का स्मरण नहीं सुना तुमने मेरे नाम को कभी नहीं सुना अपने कानों से आदि आदि बहुत कुछ बोला। श्री हनुमान जी ने परिचय दिया अपना लेकिन अपना परिचय देने से पहले अपने स्वामी राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान जिनकी कृपा से ही सब कुछ संभव हो पाता है हनुमान जी का कार्य जो है वो परिचय अपने पूज्य स्वामी का श्री हनुमान जी ने दिया। उन्होंने कहा किधर है जो विविध ते सुरत्राता वो मेरे स्वामी है तुम ते शठन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जेई भंजा तुई समेत निर्बदला मद गंजा जिन्होंने खरदूषण को वध किया जिन्होंने बाली का वध किया और वधे सकल अतुलित बलशाली वही मेरे प्रभु और मैं उनका दास हूं। रावण मैंने तेरी प्रभुताई सुनी मैं तुम्हारी प्रभुताई से हुई सहस्त्र भाव आपसे जब लड़ाई हुई थी सहस्त्र बाहु का तो समर बलि संकर यश पावा सुनी कपि वचन भी हंस है वीरा आपने पूछा कि मेरे बाग बगीचा को क्यों उड़ाया तुमने किन उजाड़ा तुमने तो क्या करूं भाई भूख लगा था और जब भूख लगती है तो भोजन चाहिए
इसलिए खाया हूं फल मोहिला गाऊं भूखा, इसलिए खाया। कपि सभावते तो रहूं रूखा, भूख लगा था कुछ खाया मैंने कुछ तोड़ा भी। हाँ सबके देहा परम प्रिय स्वामी, भाई सबका अपना अपना देह अपना प्रिय होता है और शरीर के बचाव के लिए कुछ ना कुछ करता है मनुष्य। इसलिए मारे हूं मोही मारही मोही जो मेरे मार्ग में आया जो मुझ पर आक्रमण किया उनको मैं मार अपने बचाव के लिए। और श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी बड़ा प्यार से इसका वर्णन करते हैं, आइए सभी को भाव से गाए हमारे साथ में। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता हनुमान जी कहते हैं। जिन मोहि मारा ते ही मैं मारा, देही पर बंधयूं तनय तुम्हारा, मोहिन कछु बांधे कर लाजा, हमें अपने आप को बंधने में कोई लाज नहीं है रावण की। न चाहू निज प्रभु कर काजा, बस हमें तो प्रभु श्री राम जी का कार्य को करना, इसीलिए हम बता रहे विनती करूं जो रावण, अपने हाथ को जोड़ करके मैं आपसे विनती करता हूं। सुनो मान तजी मोर सिखावन, मैं कुछ बातें आपको बताऊं, सुन ले मेरी बात को, ना सुनेंगे तो तेरी मर्जी। देखाऊं तुम निज कुलाही विचारी, देखाऊं तुम निज कुलाही विचारी, भरमत जय बजहूं भगति भयहारी, जिसके डर से काल भी डर, और दानवों सारे चराचर को खा लेता है,
दासो बैर मत करिए, उनसे आप दुश्मनी ना लेना। आप मैया जानकी को वापस कर दीजिए, बड़ी नम्रता के साथ में, बड़ी प्रेम के साथ में, विनय पूर्वक हाथ जोड़कर, जैसे प्रभु है ना वैसे उनका सब दूध। प्रभु राम कितने दयालु है देखिए, उन्हीं की कृपा से आज हनुमान जी ये प्रसंग ला रहे। बाद में चल करके लंका कांड में प्रभु राम अंगद जी को भेजेंगे, जाओ वक्त ऐसा करना ना, मेरा भी काम हो जाए और रावण भी सुरक्षित रहे। काज हमारे तासु ही तो हुई, ऐसा करना है जाओ पुत्र, हमारा काज हो जाए और उनका हित भी हो जाए। आज हनुमान जी यही समझा रहे, लेकिन रावण मानने वाला होगा तो ही ना, रावण क्या कर। प्रंत पाल रघु वंश मनी, ओ करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसरी। प्रभु इतने दयालु है रावण, जो उनके शरण में एक बार जाता है उन सभी के भूल, उन सभी के अपराध को परमात्मा श्री प्रभु राम क्षमा कर देते हैं। एक बार अन्न धन वस्त्र भूषण, प्रभु कहते भक्त सोचता मैं क्या चढ़ाऊं प्रभु, तो सभी तो यहां दूषित है, फूल चढ़ाता हूं तो भौरे से मैले, जल चढ़ाता हूं तो मछली से पहले मैले किए हुए, दूध चढ़ाता हूं तो बछड़े ने उनको पहले ही मैले कर दिए, हृदय चढ़ाऊं प्रभु तो वो भी हमारे पापों से मैले पड़े हुए, क्या चढ़ाऊं। बड़ा सुंदर लिखा किसी, तुझे मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, यहां सब भी तो झूठे, तुझे मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, यहां तो सब ही झूठे। मैंने तो बोल दिया लेकिन संगीत के माध्यम से बोला है, आगे बढ़ लेते हैं। भाभी जी बैठी हुई बहुत पसंद करती है भजन, इसलिए सरोज भाभी आपके लिए भजन गा रहे हैं। अगर मैं चल चढ़ाऊं मछली से मैले, वो मछली से झूठे, अगर मैं दूध चढ़ाऊं भगवान, अगर मैं
चढ़ाऊं भगवान यहाँ सभी तो झूठे हैं, तुझे मैं क्या चढ़ाऊं भगवान यहाँ सभी तो झूठे हैं। प्यारा भजन है, मुझे बहुत, कभी कभी बच्चे गाते हैं तो सुनता हूँ, कभी गाया नहीं उसको, लेकिन लगा कि बड़ा सुंदर है, आज उपयोग में आ गए। क्यों? क्योंकि अब देखे अंत काल में कोई भी अपना पाप प्रभु के चरणों में चढ़ा दे कि भैया मैं समर्पित हो गया हूँ, शरणागत हूँ ना, कोई भी हो, श्रवण कीर्तन आदि सब जो बताए, हमारे नौ के नौ गुण दोष है हमारे मन के, द्रुत दुष्ट असाधु तिब्रम, ये चार हो गया, द्रुत दुष्ट असाधु तिब्रम काम आतुरम, ये मन के हमारे इतने दोष है, द्रुत दुष्ट असाधु तिब्रम काम आतुरम शोक भय हर्षितम, मन जल्दी से शोक में आ जाता है, मन जल्दी से हर्षित हो जाता है, और अंत में बताया कि मन अगर जिस दिन शरणागति की तरफ बढ़ जाए ना, मन जिस दिन सरंडा हो जाए, प्रभु के चरणों में चले जाए, बस यही हमें चाहिए। इसलिए शरणागति जो है वो बहुत उत्तम है, परमात्मा के चरण में हम शरणागति को चले जाना, मन बेटा जो कुछ किया है बस हम खुलासा कर दे कि प्रभु हो गया, और हो गया परमात्मा क्षमा कर देंगे, और क्या करेंगे, और तो कुछ करेंगे नहीं, इसलिए अगर मारेंगे भी तो कहे वाली सुनो भीरु प्रिय समदरसी रघुना, लेकिन अगर मार भी देंगे कोई कारणवश, जो कदापि मोहे मारिए तो पुनि हो बसना, मार भी दिए तो प्रभु के हाथ से मरने वाला तो स्नात हो जाता है, इसलिए समर्पित हो जाओ प्रभु के चरणों में। मार भी देंगे तो क्या, प्रभु के मारने वाला प्रभु के धाम ही प्राप्त होते हैं, रावण तो ऐसा कर ले बस, आपने गलती करी है, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है, उस भूल को आप प्रायश्चित कर ले, आप मैया सीता को वापस कर दे, आपका कल्याण हो जाएगा। भक्त कहता है भगवान से पूछा कि क्या चढ़ाऊं भगवान तुमको, तो भगवान ने जवाब दिया अन धन वस्त्र भूषण, ना मुझे अन्न चाहिए, ना धन चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना आपका भूषण चाहिए, अन धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। तो भक्त ने पूछा फिर प्रभु क्या चाहिए आपको, तो प्रभु कहता है आप हो जाए मेरा, एक बार आ जाओ ना, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो मे भक्त प्रयच्छति, श्रीमद् भागवत गीता, फल दे चल दे, कोई मुझे फूल दे, मैं उसको बहुत ही प्यार से उसको आकर के स्वीकार करता हूं। रावण तू इतना ही कर ले बस, समर्पित हो जाओ, तेरे सब अभिमान तेरे सब भूल परमात्मा क्षमा कर देते। राम चरण पंकजोर धर, राम जी के चरणों का आप अपने हृदय में धारण कर लो ना बस। लंका अचल राज तुम कर, ये हनुमान जी सिखा रहे हैं उसको, हनुमान जी की प्रसंग को सुन करके रावण क्या करता है, अंत में हनुमान जी कहते सुनो दस कंठ
हूँ प्रण रूपी ओ सुनो दस कंठ कहूँ प्रण रूपी राम विमुख वाता नहीं कोपी सहम विष्णु अज तो ही राखै न सकहि राम कर द्रोही। चाहे आप भगवान शंकर के पास चले जाओ, चाहे आप भगवान विष्णु के पास चले जाओ, चाहे आप ब्रह्मा के पास में चले जाओ, राम जी से विरोध करने वाला को कोई अपने पास में नहीं रखेगा कभी। जयंता की कथा, इंद्रपुत्र की कथा सबको स्मरण है। राम जी के से विद्रोह किया उस, राम जी ने एक सीख का बाण उठाकर के मार दिया। कहां भागे? ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास पहले गए अपने पिता के पास। इंद्र ने देखा बोले नहीं, एकदम यहां से निकलो भाग। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। शंकर भगवान के पास में गए, पाहि माम शरणागति हम आपकी। शंकर भगवान ने कहा आपने जो विरोध किया है आपको मैं नहीं बचा सकता। रास्ते में गुरुदेव जी मिल गए नारद जी, और नारद जी ने कहा जयंता कहां भागे जा रहे हो इतना व्याकुल? बोले देख मेरे पीछे कौन लगा है। नारद जी ने मुड़ करके देख, अरे वाह, तो बोले काम करो वक्त सीधे चले जाओ, जिनका तुमने अपराध किया है उन्हीं के पास चले जाओ, वही तेरा कल्याण करेंगे। और अंत में नारद की बात को सुन करके, गुरुदेव नारद की बात को सुन करके जयंता जाकर के प्रभु के चरण में पड़ जाता है, और यहां प्रभु ने उनको क्षमा जरूर करी। यहां लिखे सुनो दस कंठ कहो प्रण रूपी राम विमुख वाता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तो राघव ना सकहि राम कर दो ही। प्रभु राम जी कृपा सिंधु, कृपा सिंधु भगवान उनके पास बहुत बड़ी दया। इतने सुंदर सुंदर बातें को सुनाया है रावण को, इतने सुंदर सीख दिया है रावण को हनुमान जी ने, लेकिन अभिमान के कारण से बड़े जोर से हंसा है रावण। श्री पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं बोला बिहसी महाभिमानी, बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमारी कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अरे मिला भी कौन गुरु, एक बंदर एक कपि। रावण की अभिमान, उत्तरकांड गरुड़ जी का प्रश्न, आपको तो ब्राह्मण शरीर मिला था,
आपको तो मनुष्य शरीर मिला था, इतने सुंदर शरीर पाकर के भी आपने चिड़िया का शरीर क्यों रखा? काकभुशुंडी महाराज जी का जवाब, यही तन रामा। ध्यान दे श्रोताओं, बड़ी पते की बात है ये भैया जी, इसको जब जब भी मैं दोहराता हूं ना, तब तब मेरी विश्वास और बहुत जबरदस्त हो जाती है कि भैया नवदा भक्ति प्रकरण में तो आया ही है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जो अपने जाति पर, जो अपने पाति पर, अपने धर्म पर बढ़ाई में डूबा रहता है, बोले तो क्या मिलेगा संसार में, अंत में सब जाएंगे। अरे भैया हमारे सिकंदर चले गए सारी दुनिया को जीत के, बाद में उनके पास जा रहा, दोनों हाथ उसने कहा हमारी कब्र से बाहर निकाल दो, सारे संसार जाने, लोग जाने कि मैं सिकंदर सब कुछ जीत लिया, लेकिन अंत में गया तो खाली हाथ ही गया। इसलिए ना कभी जात पर, ना कभी पात पर, ना अपने बल पर, ना अपने धन पर हम कभी अहंकार करें। तो काकभुशुंडी महाराज ने गरुड़ जी को बताया, यही तन भक्ति प्रिय महेश्वर, जिस शरीर में भी राम भक्ति मिल जाए, चाहे वो कोई शरीर क्यों ना हो, वही सबसे दुर्लभ शरीर है। और आज हनुमान जी कहते हैं इतना सुंदर सुंदर सीख दिया, रावण कहता है कि कभी तू ही मिला था मुझे गुरु ज्ञान देने के लिए। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। रावण कहता है मृत्यु निकट ही खल तो ही लागसिया धामा सिखावे न मोही, जनाए तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है हे खल, इसलिए तू मुझे सिखा रहा है, मैं चारों वेद का ज्ञाता हूं, उल्टा हुई है कहा हनुमाना। अरे रावण सुन, ये उल्टा हुई मेरा नहीं तेरी मृत्यु निकट आई है, उल्टा हुई कहा हनुमाना, मती भरम तोरी प्रगट में जाना। बड़ी अनुपम भेंट है उच्च चरण का साहित्य सीता जी महाराज जी, मंत्र है हमारे पूज्यवर संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी, हम लोग परसों ही बात कर रहे थे सर, उनका कल बात कर रहा था, हमारी प्रोग्राम के बाद में कुछ वार्तालाप हुई और उन्होंने मुझे बहुत सुंदर सीख दी, बहुत सुंदर बात बताई थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस बात को सुन करके। कि जो मनुष्य, उन्होंने बड़ी सुंदर सूत्र का प्रयोग किया, जन्मना जाए सूत्र, बड़ी प्यारी सूत्र है, इस पर कभी फिर चर्चा की जाएगी, लेकिन हम रावण सूचना में चार वेद का ज्ञान, चार वेद पढ़ा हूं और ये बड़े ज्ञानी कपि मुझे सिखा रहे हैं, तेरी मृत्यु आ गई है निकट, इस कारण से तू ऐसा बात कर रहे हैं, मुझे सिखाना है। हनुमान जी बोले उल्टा हो
सब उल्टा होगा। मति भ्रम तोरी प्रकट में जाना। तो जिसको प्रभु कभी बहुत दुख देने वाले ना उत्तम भैया, जाको प्रभु दारुणा दुख दे, यही श्री रामचरितमानस की सूत्र है। जाको प्रभु दारुणा दुख दे, ताकि मति पहले हर ले, ताकि मति पहले हर ले। जिसको दुख मिलने वाला है उसकी बुद्धि को पहले परमात्मा भ्रमित कर देता है, रावण की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। सुनी कभी वचन, सुनी कभी वचन बहुत खिसियाना, बेगन है रहो मुड़े कर प्राणा, सुनत निशाचर मारण धावे, सचिवन सहित विभीषण। रावण की क्रोध और रावण की बातों को सुन करके जितने वहां के योद्धा थे हनुमान जी पर झपटने लगे, उनको मारने के लिए तैयार। और तभी सचिव मंत्रियों के साथ में भ्राता विभीषण जी रावण के वो सभा में आ गए, उन्होंने शीश नवाया रावण के प्रति, महाराज है। और उसने बड़ा सुंदर सीख दिया रावण को, रावण को कहा, नाये शीश करी बिना बहुता, नीति विरोध मारव दूता, नीति विरोध मारव दूता, ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है। कोई जगह भी कोई दूत आवे दूत को नहीं मारना चाहिए, कोई संदेश लेकर के आया हो उस संदेश लेकर के आने वाले दूत को कभी नहीं मारना चाहिए। ये अगर सीखना है ना तो हमें श्री महाराज दशरथ जी से सीख लेनी चाहिए थी कि जब जनक जी महाराज ने अपने दूत भेजे हुए थे विवाह संस्कार का प्रस्ताव को लेकर के, उस समय कहां बिठाए थे मालूम, राजा दशरथ जी अपने पास में दूतों को बिठाया था, अपने बराबरी में बिठाया था, ये है महाराज जनक महाराज दशरथ जी। ऐसे महाज्ञानी ऐसे महाराजाओं का तो कथा हो रहा है, क्योंकि उनके 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 कर्तव्य इतने बड़े थे, उनके 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 बर्ताव इतने बड़े थे, उनके आचरण इतने बड़े थे, जो आज समझने गाने और सुनने जैसी है। विभीषण ने समझाया रावण को कि नीति विरोध है, दूत को नहीं मारना चाहिए, और कोई दंड दे दो लेकिन मारो मत। आयन दंड कछु करी है गोसाई, और कोई दंड दे दो ना। आयन दंड कछु करी है गोसाई, सब ही कहा मंत्र भले भाई, सुनता भी हसी बोला दस कंगर, हंस करके रावण बोला, क्या बोला, अरे हाँ हम जानते हैं बंदरों की पूछ बहुत प्रिय होती है उनके, अंग भंग करी पटलहु बंदर, अंग भंग करी पटलहु बंदर, कपि की ममता पूछ पर, कपि की ममता पूछ पर, स
सभी कहा समझाए, तेल पोरी पट बांधी पुनी पावक के लगाए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार बोली मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के जय। समय निकल जाते हैं, पता नहीं लगते हैं। मैं बार बार घड़ी की ओर देख रहा था तो विराम तो करना पड़ेगा। हर एक अच्छी चीज जो होती है विराम पर जाती है। और जबकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि लगता है मुझे ऐसे कि ओकलैंड में हमारी जन्माष्टमी महोत्सव जो ओकलैंड माइंड संस्था ट्रस्ट भवन से आने को थी, ओकलैंड माइंड संस्था ट्रस्ट के द्वारा रचित ऑर्गेनाइज्ड कृष्ण जन्माष्टमी जो 23 से शुरू होने को है अगले सोमवार को, तब तक प्रभु करे कोई बाधा ना आवे। अगर आ भी जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर ये बैठेंगे आराम से, यही माहौल होगा। शायद इनको मौका ना मिले आने को, क्योंकि अगर लेवल 4 तो ये नहीं आ पाएंगे। अगर लेवल 3 रहा तो 2-10 जन आ सकते हैं। तो नमन बेटों को वहां बैठाएंगे 2 मीटर दूर में, पूरा आराम से 8 दिन का प्रसंग चलेगा। और ना हो पाए तो मैं अकेला बस, जैसे गोसाई तुलसीदास जी शरणागति के घाट पर बैठे गंगा के तट पर, और उन्होंने सभी जितने कथा है अपने मन को तो ही सुनाया था, उनका कोई श्रोता तो था ही नहीं, इसलिए बस ऐसा ही करेंगे। आप श्रोता होंगे पीछे स्क्रीन के और मैं सुनाऊंगा इधर से, आप सुनेंगे अपने अपने घरों में बैठ कर आराम से ठाट से। तो यही होने वाला है भागवत कथा का प्रसंग जो चलेगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, उसको श्रवण जरूर करेंगे हम लोग सब। लेकिन ऐसा अगर हो गया तो, ना हुआ तो मिलेंगे आपको लाइव प्रसारण में रेडियो रिश्ते के माध्यम से। आप तक जरूर भले ही स्क्रिप्ट एनरोलमेंट करेंगे लेकिन आप तक कथा जरूर पहुंचेगी रिश्ते के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, विनोद राणिका के चैनल के माध्यम से, और तबू सोरो हमारे मिथिलेश प्रसाद जी के चैनल से, और भक्ति पेज के चैनल के माध्यम से। और सतीश जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और समस्त जितने भी हमारे मॉडरेटर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में शिवन सिद्धांत लाल बेटे रेडियो रिश्ते, आप मेरे बहुत प्रिय हो इसलिए हमें आपसे बहुत बहुत लगाव है बेटा। रहीमन बड़न को देख कर लघु न दीजिए डार, ये सूत्र मेरे अंदर में भरा पड़ा है। जब कोई नहीं काम आते ना, कोई छोटा सा काम हमारे लिए कोई कर दे, कोई छोटा सा छोटा, कोई गरीब से गरीब, कोई कितना भी कैसा हो, हमारे लिए कोई काम जब कर दे तो वो हमारे लिए बहुत आदरणीय होते हैं। इसलिए रहीमन रहीम कहते हैं कि जब बड़े रहीमन बड़न को देख कर लघु न दीजिए डार, कोई छोटा हो तो कोई बड़े को सामने उसका निरादर मत करो, उनको डारो मत, उनको विसारो मत, उनको साथ में लिए रहो। और हमारे रिश्ते कोई साधारण स्टेशन नहीं है भैया, ये आज विश्व विख्यात स्टेशन है, इसलिए हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं शिवन बेटा। और सेन शर्मा हमारे ऑपरेशंस मैनेजर भैया, आप भी निश्चिंत रहे जब तक पंडित राम कुमार सेवक जी बैठे हुए हैं ना इस आसन पर, तब तक हमारी प्रोग्राम आपके चैनल के माध्यम से चले जब तक आप मुझे निकालना दें। इसलिए सभी जितने रेडियो रिश्ते के कर्मचारी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, और जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स जिन्होंने इस कथा प्रसंग को आज सुने हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं नमन बेटे के साथ में हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, और जितने भी हमारे पूजनीय संत महात्मा जन हैं सबको चरणों में मुना प्रणाम है। भैया उत्तम जी आप आए पुनः दर्शन देने के लिए, भाभी श्री आप आई है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को इस छोटी सी कुटिया में विराजमान होकर के हमारे स्टूडियो में शोभा बढ़ाते हैं, आप अपना प्यार देते हैं। कल भी उद्घाटन के समारोह में आप आए थे हमारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णो टूर्स के जितने सदस्य रहे थे हम उनको आभार व्यक्त करते हैं शमी लता के साथ साथ, क्योंकि उन्हीं की टीम है कल 25-30 की मात्रा में आए थे हमारे उद्घाटन समारोह में, जो राम कथा टीवी
अपना चैनल 36 के माध्यम से आपके बीच में 30 अगस्त से आने वाली है। उसको हमारे हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया हिज एक्सेलेंसी ने उद्घाटन किए, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए कभी की ममता पूछ पर समय ही कहा समझाए, लंका में जितना तेल जितने कपड़े सब लाए गए और पूछ में हनुमान जी को बांध दिए, और हनुमान जी तो यही प्रतीक्षा कर रहे थे कब होगा यह कार्य, क्योंकि त्रिजटा ने कहा कि बंदर आए और बंदर ने सारी लंका को जला करके राख कर दिया। हनुमान जी सोचते मुझे तो यह दर्श नहीं मिला था। संत मुक्तमणि जी अभी की बातें दोहरा रहा हूं, आपने ही कहा त्रिजटा ने हनुमान जी को ऊपर वृक्ष पर बैठा हुआ समझा दिया कि तुम्हें लंका को जलाना है और जलाने के लिए तेल चाहिए, जलाने के लिए कपड़ा चाहिए, जलाने के लिए आगी चाहिए, और वो सब ये व्यवस्था कर ही रहे हैं, हम आराम से जला देंगे। बांध दिया पूछ में आगी, अगले हफ्ता लगाए तो ठीक है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद। आज की कथा पर विराम चलती, अगले सप्ताह अगर हम लॉकडाउन पर जाते हैं तो हम कृष्ण कथा से शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा राम जी के विषय में जरूर गाएंगे आपके बीच में। आइए आरती की तैयारी करें।